अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरिए से होंगे जवाब अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल के साथ मैम पिछली अपडेट में जिस तरह जिक्र किया गया था कि इन दिनों पाकिस्तान के कई मकाम पर एक काफ़ी ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो असरअंदाज हो रहा है जिसके जेर असर पिछले तीन से चार दिनों से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में काफ़ी तेज बारिशें गरज चमक झालाबारी और पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बर्फबारी देखने में आ रही है और यूँ पिछले कई हफ़्तों से जो शदीद खुश मौसम पाकिस्तान में जारी था अलहमद उसका काफ़ी हद तक खात्मा हो चुका है मौजूदा जो सिस्टम है वो फ़िलहाल जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़ों और पाकिस्तान के शुमारी इलाकाजात की तरफ अब लिमिटेड हो गया है आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है और अगले बारह से अट्ठारह घंटों बाद जो है इसके असर इन इलाकों में काफ़ी हद तक कम होते हुए नज़र आएंगे लेकिन मेम्बर्स अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक एक और नया एक इसी तरीके का काफ़ी ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम दो तारीख की शाम या रात से जो है वो बलोचिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और आने वाले इस सिस्टम का जो फोकस है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों यानी कि बलोचिस्तान और खसूस तौर पर सुबह सिंह जिसे पिछले सिस्टम की वजह से कोई खातर ख़वा बारिश नहीं देखने में आई थी आने वाले इस सिस्टम के जेरअसर जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें देख सकता है बात करते हैं सुबह बलोचिस्तान के हवाले से तो आने वाले इस सिस्टम के जरअसर बलोचिस्तान के अस्सी से नब्बे फ़ीसद इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें ज़्यालाबारी चंदई के मकाम पर शदीद ज़्यालाबारी भी हो सकती है साथ ही साथ जो बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि कल्लाट डिविज़न ज़ियारत योग कोयटा और इसके आस पास के इलाकों में तीन से चार बर्फबारी के स्पेल होंगे जिसमें कम से कम एक से दो काफ़ी हैवी स्नोफॉल के इवेंट भी हो सकते हैं साथ ही साथ बलूचिस्तान के जो साइली इलाके हैं गवादर पस्नी उड़मारा मकरान डिवीजन और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बारिशें रहेंगी जबकि सेंट्रल बलूचिस्तान के इलाकों में तेज़ बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी मौजूद है लिहाजा जो भी हजरात इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं अगले दो से चार दिनों तक काफ़ी हद तक मोहतात रहें क्योंकि आने वाला ये जो सिस्टम है ये बलूचिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ दाखिल होगा और 80 से 90 फीसद इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश है और सीवियर वेदर्स कंडीशन भी जो है वो देखने में आ सकती हैं तोनी भी आ सकती है फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है ट्रेवल डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी हद तक देखने में आ सकती है बात करते हैं मेंबर्स सुबह सिंध की क्योंकि बलोचिस्तान से जैसे ही ये सिस्टम तेजी से मूव करेगा तकरीबन तीन तारीख से जो है वो सिंध के इलाकों पर भी असर अंदाज होना शुरू हो जाएगा जिसमें खबूसी तौर पर अपर सिंध और मगरबी सिंध जो बलोचिस्तान बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि सखर लाड़काना दादू जैकवाबाद वोटकी सामगढ़ हैदराबाद डिवीज़न मीरपुर खास डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर इलाक़ों में तीन तारीख से लेकर तकरीबन पाँच तारीख की दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बारिशें का इम्कान मौजूद है ज़्यादातर इलाकों में दरमिया चंद एक मकामा पर थोड़ी सी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है कुछ आइसोलेटेड बहुत कम इलाक़ों में जो है वो खसूषी तौर पर जो बलोचिस्तान बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं आने वाले इस सिस्टम के जरिए सर सिंध के इन इलाकों में चंद एक मकाम पर ज़्यादा बारी भी काफ़ी हद तक मुमकिन है बात की जाए सिंध के दीगर इलाकों की तो आने वाले इस सिस्टम के जरिए जो है वो सिंध के भी तकरीबन पचास से सत्तर फ़ीसद इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी इन शह ये आने वाला जो सिस्टम है ये दो हज़ार चौबीस का पहला सिस्टम होगा जो मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो सिंध को मुतासर करेगा जबकि इस तरीके का ताकतवर सिस्टम जो सिंध के इतने बड़े हिस्से को एक साथ मुतासर कर रहा है तकरीबन दो से तीन साल पहले जो है वो सिंध में इस मौसम में फरवरी के महीने में खसूसी तौर पर देखा गया था सिंध के जो दीगर इलाके हैं खसूस तौर पर जुनूब मशरकी और मशरकी सिंध के इलाके यहाँ पर इस सिस्टम के असरा जो हैं वो काफ़ी हद तक कम रहेंगे जैसे कि थर पारकर नगर पारकर मिट्टी और जो गुजरात के इंडियन गुजरात रीजियन के आसपास के जो बॉर्डर हैं यहाँ पर इस सिस्टम के ज़े असर जो है वो चंदे मकामा पर बूंदाबांदी हल्की बारिश का सिलसिला ही रहेगा ज़्यादातर ये अपर सिंध सेंट्रल सिध और वेस्टर्न सिंध के जो इलाके हैं यहाँ पर यह सिस्टम अपना असर ज़्यादा दिखाएगा बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की तो अल्हमदिल्ला पिछले दो तीन दिन पहले ही जो है वो कराची वालों ने काफ़ी अच्छी बारिश का स्पेल देखा है कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड रहे काफ़ी इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश के स्पेल भी देखने में आए अब आने वाला जो स्पेल है जो सिस्टम है वो भी कराची शहर पर कुछ इसी तर्स के तरीके से जो है वो असरअंदाज होने वाला है ज़्यादातर इलाकों में हल्की से दरमिया बारिश जबकि चंद एक मकामा पर जो है वो गरज चमक के साथ थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है खसूस तौर पर कराची के जो मगरबी और जुनूबी इलाके हैं जैसे कि औरंगी टाउन बल्दिया टाउन माचकोट साइट एरिया डिफेंस क्लिप्टन लांडी औरंगी सदर और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर दरमिया से थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल के चांसेस शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा रहेंगे जबकि ओवरऑल शहर में जो है वो तकरीबन तीन तारीख की शाम या रात से लेके एक बार फिर पाँच तारीख की दोपहर या शाम तक जो है वो ये सिस्टम असरअंदाज होता रहेगा वक्फे वक्फे से जिसमें चार तारीख तीन तारीख की लेट नाइट से लेके चार तारीख जो है वो इस सिस्टम का शहर कराची में पीक देखने में आ सकता है मैं बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आने वाला जो सिस्टम है वो शहर कराची के इसके ऊपर बिल्कुल एज के ऊपर है और क्योंकि ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है ये काफ़ी तेज़ी से बहरा अरब की तरफ डिप होता हुआ इसकी जो ट्रफ़ है वो फिर एक बार फिर अपर एरियाज यानी कि पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी लिहाजा शहर कराची में जो आने वाले दिनों की जो फोरकास्ट है उसमें तब्दीली काफ़ी हद तक मुमकिन है लिहाजा फ़िलहाल हम शहर कराची के हवाले से लॉन्ग रेंज में नहीं शॉट रेंज में ही रहेंगे और वक्ता फ़वता इनशा जो भी मीनिंगफुल अपडेट्स होंगी उस हवाले से आप तमाम तर लोगों को वक्ता फ़वका अपने यूट्यूब चैनल और पेज के थ्रू अपडेट करते रहेंगे कराची में बारिश के जो इम्कान हैं वो ज़्यादातर तीन तारीख से लेके कर पाँच तारीख की दोपहर या शाम तक हैं जबकि दो तारीख को भी शहर कराची के करीब थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बारिश के बादल बन सकते हैं अगर ये बादल कराची की तरफ मूव करते हैं तो फिर हम अपने पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तमाम तर लोगों को वक्ता फ़वता अपडेट करते रहेंगे अब तक के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपना तो बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान पाइंदाब